हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप फॉरवर्ड। आज का टॉपिक है हाउ योर हार्मोन्स इम्पैक्ट योर सक्सेस। अब हम अगर हार्मोन की बात करें तो हम हेल्थ से शुरू करते हैं। आज अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आपकी हेल्थ और आपकी सक्सेस का क्या रिलेशन है, तो आई एम श्योर 99% लोग बोलेंगे हाँ भाई, अगर मैं अनहेल्दी हूँ, अगर मैं बेड रिडन हूँ, अगर मैं ऑफिस नहीं जा सकता या वर्क प्लेस पर नहीं जा सकता, देन या आई कुड नॉट बी अ सक्सेसफुल पर्सन। वेरी ऑब्वियस, आई एग्री विद यू। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन है, जब से आप ऑफिस जाते हो, आप नॉर्मली काम करते हो, तो क्या आपकी हेल्थ आपको कितना इम्पैक्ट करती है? यू वुड से हार्डली 1%, हार्डली 2%, जितना मैं वैकेशंस लेता हूँ या यू नो सिक लीव्स लेता हूँ एंड ऑल दैट। बट इज इट ट्रू? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपका एक वर्क डे एज्यूम करते हैं, आप नॉर्मली मॉर्निंग में उठे, आपको थोड़ा सा फैटीग लगा, आपको लगा कि आज मेरा दिन यू नो फील बेटर नहीं है मुझे, आई फील लाइक थोड़ा हैक्टिक, थोड़ा सा यू नो फटीग लग रहा है, मे बी लिटिल बिट ऑफ हेडेक, बट स्टिल नॉर्मल ऑफिस डे है, जाना है। ओके, लेट्स गो टू वर्क प्लेस। आप अपने वर्क प्लेस पर जाते हो और वहाँ पहुँच के भी आपको सेम फीलिंग्स आ रही है, यू नो यू आर नॉट वेरी इन टू द वर्क प्लेस मूड, बट दैट्स ओके बिकॉज सम मॉर्निंग राइट, यू वॉन्ट टू डू सम वर्क, यू स्टार्ट योर वर्क। थोड़ी देर बाद आपको लगता है अरे यार यू नो आई स्टिल फील सम हेडेक, लेट्स गेट सम कॉफी टी। यू गो गेट कॉफी एंड टी, यू फाइंड सम फ्रेंड्स अराउंड देयर। अब वहाँ पर उनसे वो लोग आपको यू नो ऑब्वियसली ग्रीट करते हैं, दे आस्क यू टू कम एंड जस्ट टॉक, बट बिकॉज योर मूड इज नॉट फ्रेश, यू डोंट वॉन्ट टू, सो यू स्टिल कैन गो देयर यू नो विदाउट योर मूड बींग देयर, और यू जस्ट कम बैक राइट, यू कुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ थिंग राइट। तो वहाँ पर तो आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाए, एंड देन यू कम बैक टू डेस्क, नाउ देर इज अ मीटिंग। आप मीटिंग पे जाते हो बट बिकॉज क्योंकि आपको थोड़ा हेडेक है, आपकी एनर्जी बहुत लो लग रही है आपको, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो, और जब आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो, आपको वहाँ पे यू नो प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल पाता है बिकॉज आपका फोकस नहीं है। जब आप मीटिंग के बाहर आते हो देन यू रियलाइज अरे यार मैं ये भी बोल सकता था, देर आर थिंग्स दैट ओ आई न्यू दैट मैन, आई शुड हैव टॉक्ड अबाउट दैट, और ये सब सोच के लेकिन अभी क्या फ़ायदा राइट। बट देर इज़ एन एनजाइटी एंड स्ट्रेस कम्स इन टू योर सेल्फ राइट, कि आज मैं कर नहीं पाया, आई शुड हैव डन दिस देयर, और आप सोचते हो अब नेक्स्ट में करेंगे। ओके, उसके बाद फिर यू नो लेट्स से इट्स अ लंच, नाउ यू गॉट सम लंच, लंच के बाद आपको और थोड़ा सा फटीग फील होता है, और थोड़ा सा मूड नहीं होता है काम करने का, सो यू गो लिटिल बिट वॉक, कम बैक, फिर स्टार्ट करते हो आप काम करना। अब आपने एक खुद का एक मीटिंग रखा है राइट, यू गोना रन दैट मीटिंग, बट बिकॉज यू फील सो लो, यू सो नहीं आज तो मुश्किल हो गया इस मीटिंग में जाके पूरी तरीके से परफॉर्म करना, सो लेट्स मूव इट। तो आपने वो अगेन एक मीटिंग मूव कर दी, और उसके बाद फिर आप इवनिंग का टाइम होता है, आप जल्दी से कुछ मेल्स करते हो, यू नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट वो भी यू नो यू आर नॉट पुटिंग ऑल योर यू नो क्वालिटी माइंड ऑन इट, सो किसी तरह से आप उसको करके देते हो, और थोड़ा बैक एंड फोर्थ चलता है बॉस के साथ या जो भी आपका क्लाइंट है उसके साथ, एंड देन फाइनली यू फिनिश इट सम हाउ एंड से दैट ओके आज के लिए इतना ही एंड देन आई विल कम बैक। घर पे आप आते हो अगेन बिकॉज यू फीलिंग लो, आपका यू नो आपका एनर्जी लेवल हाई नहीं है, सो आप घर पे भी किसी को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हो, यू जस्ट ट्राई टू गो टू बेड। लेट्स से एटलीस्ट ये नाइट पे आपको अच्छी स्लीप मिली, आप मॉर्निंग में उठे, यू फील लिटिल बेटर। अब जब आप लिटिल बेटर फील करके ऑफिस जाते हो, तो आप कम से कम आज से जब कल ऑफिस जा रहे हो आपको बेटर लगेगा, आप थोड़ा ज़्यादा काम करोगे। ओके, एंड यू फील कि अच्छा आज का दिन तो बेटर है कल से, बट इफ यू थिंक फ्रॉम द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेवल, येस्टरडे वॉज वेरी बैड, टुडे इज ऑल्सो बैड, सो थिंक अबाउट योर लार्जर गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपने सक्सेस के लिए अपने गोल्स बना के रखे हैं वो कैसे पूरे होंगे? एवरी डे दे आर गोइंग बैक 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 बैक, और क्या आपको बहुत बड़े हेल्थ इशूज़ हैं? नहीं, ये नॉर्मल हेल्थ इशूज़ हैं। तो अगर मंथ में कुछ दिन भी आपको ये होता है, तो ये चीज़ें आपको बहुत पीछे ले जा सकती हैं। ओके, एंड आई एम श्योर योर सीनियर बॉस एंड ऑल विल से ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, वी हैव टू पुट हिम बैक एंड गेट समवन एल्स, एंड यू कैन इजीली रियलाइज राइट कि और लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड राइट कि एक रिलेशन तो है, मतलब सक्सेस का इससे बहुत बड़ा रिलेशन है, इससे जितना आप पीछे जा रहे हो ना, उतना आपने जो पहला एक जवाब हो सकता था कि मैं बिल्कुल आउट हूँ वर्क प्लेस से बिकॉज ऑफ माई क्रोनिक डिजीजेज और समथिंग,
वहाँ तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा उस केस में, जब क्रोनिक डिजीज़ पे ऑफिस में हो ही नहीं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा परफॉर्मेंस, बट यहाँ पे तो लोग डे इन डे आउट एवरी डे एवरी मोमेंट आपसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर हेल्थ विच यू डोंट थिंक इज एज बैड एज इट शुड बी बट एक्चुअली इट इज़ बैड। अगर हफ्ते में कुछ दिन भी नहीं कर पा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट होने वाला हो जाएगा। तो अब इस पर आते हैं ये होता क्यों है, ओके ये गवर्न कैसे होता है बॉडी के अंदर, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है बाहर आ रही हैं ये गवर्न कहाँ से होती हैं। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं जो कि जो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो बॉडी के हर पार्ट को कैसे रिएक्ट करना है किसी सिचुएशन के लिए वो बताते हैं, या उस समय आपको कैसा फील करना है वो बताते हैं। ओके तो कुछ हार्मोन्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इफेक्ट आपके अंदर दिख रहा है फटीग से लेके एंजाइटी से लेके यू नो लो एनर्जी, ये सारे किस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं। ओके सो जो सबसे पहला हार्मोन इसमें आता है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक मूड बूस्टिंग हार्मोन है, यानी आपके मूड को अच्छा रखता है। तो अगर आपका मूड अच्छा नहीं हो रहा है, यानी सुबह उठने से लेके शाम तक जाने तक राइट आपके मूड प्रॉपर नहीं है, आप लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप लोगों से साथ मिलके काम करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आपका अपने काम में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और जब भी आप लोगों से बोलते हो तो एक नॉर्मल अच्छे टोन में नहीं बोल पा रहे हो, ओके आप एंग्री हो जाते हो बार बार, यानी आपका मूड सही नहीं है। और आपका मूड क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये जो सेरोटोनिन लेवल्स हैं ना, दीज आर बैड राइट, दीज आर नॉट बैलेंस इन योर बॉडी। अच्छा, ये जो मूड बूस्टिंग जो सेरोटोनिन की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली यही जो है आपके जो ब्रेन में मेमोरी है उसके फंक्शन में हेल्प करता है। तो अगर आप जल्दी कुछ भूल जा रहे हो सो मे बी इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सेरोटोनिन लेवल। ओके ये मूड को तो ऑब्वियसली मैंने बोला रेगुलेट करता ही है, स्लीप को भी आपकी रेगुलेट करता है, ओके डाइजेशन को रेगुलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप में कहीं कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो सेरोटोनिन का प्रॉब्लम हो सकता है, सेरोटोनिन इम्बैलेंस के पूरे चांसेस हैं। सो अब दूसरा हार्मोन है उसकी हम बात करें, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो आपकी बॉडी में फिजिकल और जो मेंटल स्ट्रेस है उसके लिए ज़िम्मेदार है, या उसको जो है रेगुलेट करता है। तो अगर आप स्ट्रेस में हो लॉन्ग टाइम तक, और स्ट्रेस कहाँ से आता है, जैसे आप अपने वर्क प्लेस का एग्जांपल लो, तो आप मीटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आपको स्ट्रेस हो गया, कोई नई चीज़ अचानक से आ रही जो कि आपके शेड्यूल में नहीं थी और आपको करके देनी है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, कैसे करेंगे? सो इस स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए कॉर्टिसोल जो है बॉडी सिक्रीट करती है, और ये कॉर्टिसोल जो है ना ये इसको बैलेंस करता है। लेकिन कॉर्टिसोल जब लेट्स से आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हो तो कॉर्टिसोल ज़्यादा लगेगा आपको, बट अगर बॉडी कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक ज़्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट करती है तो आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो सकता है। तो इसके साइड इफेक्ट है, यानी आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। अच्छा, आप ज़्यादा स्ट्रेस कब नहीं होगे? अगर हम वर्क वाले एग्जांपल से लें तो अगर आपकी एनर्जी सही है, आप नॉर्मली यू नो ऑफिस आ रहे हो, आपका एनर्जी लेवल हाई है, आप परफॉर्म करते हो, आपका मूड सही है, तो फिर ये स्ट्रेस ज़्यादा आपको होगा नहीं, और ज़्यादा नहीं होगा तो कॉर्टिसोल भी नॉर्मल आएगा, तो इम्बैलेंस नहीं होगा। बट जो हमारी सिचुएशन है उस केस में अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो ज़्यादा कॉर्टिसोल आएगा और वो और ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करेगा। इसमें यू नो कई बार क्रेविंग्स भी होती हैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स की एंड ऑल दैट, उसका मतलब है आप वेट गेन भी कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो मतलब ज़्यादा वेट गेन का चांसेस है। अब आते हैं नेक्स्ट है लास्ट जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या है? एड्रेनालिन एक्चुअली आपके एनर्जी लेवल से रिलेट होता है। ओके तो आपकी बॉडी में से हाई एनर्जी लेवल्स यू नो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे एड्रेनालिन के इफेक्ट से, राइट, जो एड्रेनालिन हार्मोन है उसके इफेक्ट से आते हैं। उसके अलावा ये जो है आपको क्विकली रिएक्ट करने के लिए, क्विकली थिंक करने के लिए हेल्प करता है। ओके जैसे बोलते हैं ना एड्रेनालिन रश हो गया, मतलब एनर्जी का बर्स्ट आ गया, इसके साथ साथ ये आपकी क्विक थिंकिंग, क्विक रिएक्शन है ना। तो जैसे कोई भी चीज़ को आपको रिएक्ट करना हो तो फिजिकली जो रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, सो एड्रेनालिन हेल्प दैट। बट जो मेंटली होता है तो क्विक रिएक्शन, क्विक थिंकिंग के लिए होता है। तो अभी आप मीटिंग में हो और कोई चीज़ जैसे आपको याद नहीं है उसमें, तो एक तो मेमोरी का फैक्टर हो गया और दूसरा आपका एड्रेनालिन का लो लेवल हो सकता है, जिसको कि आपको क्विक थिंकिंग करने के लिए आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एड्रेनालिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ क्विकली आपको कुछ मतलब यू नो क्लिक नहीं करता है, आप बिल्कुल सोचते हो माई गॉड इट्स नॉट क्लिकिंग मी वाई, सो इट कुड बी दिस एड्रेनालिन का जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से हो सकता है। ओके सो ये जो चीज़ें हैं ना
ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि ये जो ऐसे हार्मोन्स हैं इनको ध्यान में रखना है। अभी आपको क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है भाई ये तो इम्बैलेंस हो गया, लेकिन कैसे बैलेंस करें, या यू नो हाउ वुड वी नो कि चलो इम्बैलेंस हो रहा है, बट अब इसको यू नो कैसे हम बैलेंस करें, और कैसे हमें पता भी चलेगा कि क्या केवल इतनी चीज़ों से पता चलेगा या कुछ और है। ओके सो या आई विल गेट यू अनदर वीडियो, ओके, जिसमें हम बात करेंगे कि इसके क्या और सिम्टम्स होते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसके क्या और सिम्टम्स होते हैं, और कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, यानी नेचुरल रेमेडीज़ क्या है। ओके ऑब्वियसली एक रेमेडी है कि आप जाके चेकअप करो, डॉक्टर से बात करो एंड ऑल दैट, बट इज देयर समथिंग नेचुरली वी कैन डू इट, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।